अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल टू लेयर वाली चिकन बर्गर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बेसिकली ये होते हैं कि जब भी हम टू लेयर वाली बर्गर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल बंस चाहिए जो कि ईजिली हमारे मार्केट में नहीं मिल पाती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप नॉर्मल मार्केट में मिलने वाली बंस से घर पे बहुत ही आसानी के साथ डबल लेयर वाली बर्गर बना के कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, चिकन बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कप चिकन का कीमा। इसके अंदर मैंने डाला 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च की पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हम लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे कटी हुई हरी मिर्ची और 1 बड़ा चम्मच लेंगे लेमन का जूस। और इसी के साथ हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज। अब इसे हम हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हो गई है 20 मिनट। इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दी हूँ 1 खाने का चम्मच रिफाइंड का ऑयल और वापस से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसकी हम 2 बॉल्स बना लेंगे, जितने भी बड़े साइज़ के हमें टिक्की चाहिए। मैं यहाँ पे बंस के साइज़ की ही बना रही हूँ, जितने बड़े बंस है उससे बस 19 साइज़ में टिक्की अभी बनाऊँगी, इतनी बड़ी। अब मैं इसे थोड़ा सा तल लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो फिर आप नॉर्मल तवा पे भी इसे तल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने 1 खाने का चम्मच बटर लगा दिया और इसे अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए दोनों तरफ से सेक लेंगे, यानी कि 5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट एक तरफ। अब यहाँ पर हमारी टिक्की रेडी है। मैं यहाँ पे बर्गर को असेंबल करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी रखी हूँ। चटनी चाहिए हमें, कुछ सॉसेज चाहिए, वेजिटेबल्स कट हुए चाहिए, चीज़ चाहिए और टिकिया चाहिए। अब ये देखिए, ये हमारे पास सिंपल नॉर्मल मार्केट में मिलने वाली बंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटे तो नहीं हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि 2 बंस लूँगी और एक को मैं बीच से इस तरह से कट कर ले रही हूँ, जैसे कि सिंपली बर्गर के बंस कटते हैं। और अब मैं दूसरी वाली बंस को अब ऊपर से मैं इस तरह से काट लूँगी, जिससे कि बंस की जो बीच वाली थोड़ी बराबर हो जाए, और नीचे से भी इस तरह से कट कर लूँगी। बेसिकली जो है यहाँ पे मैं डबल लेयर वाली बर्गर को बनाने के लिए 2 बंस को यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसे हम बराबर कर लेंगे और ये रेडी हो गई हमारी बीच वाली बंस और ये ऊपर और नीचे वाली। इस तरह से हम करके इसे रेडी करेंगे। अब हम वापस से आ जाते हैं ग्रिल पैन की तरफ। बचे हुए बटर में मैं यहाँ पे अच्छे से पहले ग्रीस कर दे रही हूँ और बन के इस साइड को मैं हल्का सा बस ब्राउन होने तक इसे तल लूँगी। बहुत ही ज़्यादा हमें नहीं करने हैं, बस ये होने चाहिए कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। बेसिकली हमें इसे एक तरफ से 20 से 25 सेकेंड बस तल लेने हैं। अब इस बीच वाले पार्ट को मैं दोनों तरफ से हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए, ये भी अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं आ जाती हूँ बर्गर को असेंबल करने की तरफ। बीच वाले पार्ट को मैं साइड करूँगी और जो सबसे नीचे वाली पार्ट है इसके ऊपर मैं लगा दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो किसी भी तरह की चटनी ले सकते हैं, बस ये है कि मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस थे इसलिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। अब यहाँ पर हमें चाहिए 1 चीज़ का स्लाइस। ये जो है वो प्रोसेस चीज़ है। 1 स्लाइस को मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। अब हम इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स रखेंगे, जैसे कि अनियंस, खीरा और टमाटर, और यहाँ पे बारीक मैंने चॉप्ड कर लिए हैं बंद गोभी को। इसके ऊपर से हम टिक्की रखेंगे। अब यहाँ मैं बंस के बीच वाले स्लाइस को ले ले रही हूँ और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेजवान सॉस लगा दिया और इसे हम इस तरह से सेट कर देंगे। और इसके ऊपर मैं लगा दे रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिससे कि बर्गर जो है वो काफ़ी तीखी खट्टी मीठी से बन के तैयार होगी। और इसके ऊपर भी मैं सिंपल वेजिटेबल्स रख दूँगी, खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर और बंद गोभी। जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो इसके ऊपर आप डाल दें।
एक यहाँ पे मैं, मेरे पास एक्चुअली सलाद के पत्ते नहीं थे इसलिए मैं इसके ऊपर बंद गोभी सिंपल डाल दी, टिकिया डालूंगी और वापस से मैं इसके ऊपर एक चीज़ की स्लाइस डाल दूंगी। ऊपर वाले बंस के स्लाइस के ऊपर मैं लगा दूंगी मेयोनीज और इसे भी अच्छे से सेट कर दूंगी। अब मैं वापस से सेम पैन में बर्गर को रख देती हूँ जिसमें हमने पहले बर्गर के स्लाइस को तल लिया था। इसके ऊपर मैं हल्का सा बटर इस तरह से ग्रीस कर ले रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास बहुत ही ऊंची ढक्कन नहीं थी तो मैंने इस तरह से नॉर्मल एक गमले को ढक दिया जिससे कि बर्गर अच्छे से ढक सके, वैसे ही आप ढक्कन इसके ऊपर डाल दें। और 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हमें बस दम दे देना है एक। और यहाँ पे रेडी हो गई हमारी चिकन बर्गर जो कि बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और यहाँ पे रेडी हो गए हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्गर। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर से आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।